नमस्कार, मैं हूं मुकुल कुमार। इस वक्त हम झारखंड देवघर के त्रिकुट पर्वत पर जो रोपवे हादसा हुआ है, जिसमें इस वक्त 26 लोग फंसे हुए हैं, 2 लोगों की मौत हो गई है। इस रोपवे हादसे में बहुत लोग ऐसे भी हैं जो घायल हुए हैं, उनमें से कुछ लोगों को बचाया जा चुका है। NDRF की टीम लगी हुई है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि और क्या परिस्थिति है वहाँ की। झारखंड के देवघर स्थित त्रिकुट पहाड़ रोपवे हादसा में सोमवार को भी रेस्क्यू ऑपरेशन शाम तक जारी। NDRF के अलावा एयरफोर्स, IT की टीम, BSF और जिला प्रशासन की टीम इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी। 28 लोगों को शाम 5 बजे तक निकाला गया है। त्रिकुट रोपवे हादसे में रेस्क्यू टीम ने अब तक ज़्यादातर लोगों को सुरक्षित निकाल लिया है। वही ट्रॉली में फंसे शेष 20 लोगों को निकालने का प्रयास तेज है। उधर रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। झारखंड के पूर्व CM रघुवर दास ने देवघर रोपवे हादसा मामले को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, हेमंत सरकार के निर्णय नहीं लेने की क्षमता के कारण 24 घंटे के बाद भी सभी लोग नीचे नहीं उतारे गए। सेना को बुलाने में देरी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक्शन में आने के बाद से राहत और बचाव कार्य तेजी आई है। त्रिकुट रोपवे हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे सोमवार शाम तक मौके पर डटे रहे। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, उनकी कोशिश है सभी की सकुशल बरामदगी हो सके। त्रिकुट पर्वत पर यह रोपवे वाला हादसा, इसे देखकर लोग बहुत ही डरे हुए हैं झारखंड के अंदर। और जिन जिन लोगों के घर से यहाँ पर लोग घूमने आए थे, जो भी श्रद्धालु यहाँ फंसे हुए हैं, उन सभी को बचाने में NDRF की टीम और यहाँ की पुलिस व्यवस्था लगी हुई है। और देखते हैं आगे और क्या क्या हो रहा है। आखिर कैसे हुआ यह हादसा? करीब 4:30 बजे रोपवे जैसे ही डाउन स्टेशन से चालू हुआ, पहाड़ की चोटी पर स्थित रोपवे की UTP स्टेशन का रोलर अचानक टूट गया। इसके बाद रोपवे की 23 ट्रॉलियां एक झटके में 7 फीट नीचे लटक गई। वही सबसे पहले ऊपर की एक ट्रॉली 40 फीट नीचे खाई में गिर गई, जिसमें सवार 5 लोग थे। स्थानीय लोगों और रोपवे कर्मियों ने मिलकर उस ट्रॉली में फंसे 5 लोगों को बाहर निकाला। इस बीच रोपवे के ट्रॉली में फंसे लोगों का रेस्क्यू का वीडियो भी सामने आया। एक वीडियो में बच्ची को कई 100 मीटर ऊंचे हवा में लटके ट्रॉली से रस्सी के सहारे नीचे लाया गया। बच्ची की रेस्क्यू के वीडियो से अंदाजा लगाया जा सकता है सभी लोगों को सलामत बचा पाना कितना चुनौतीपूर्ण है। खास बात है, ट्रॉलिया करीब 1000 मीटर की ऊंचाई पर नीचे खाई है और दोनों तरफ पहाड़। जैसे जैसे बच्चों का रेस्क्यू किया जा रहा है, वैसे वैसे एक टीम उन बच्चों को लेकर ऊंचाई से नीचे कैंप पर आ रही है। इस दौरान भी सावधानी बरती जा रही है, क्योंकि बीच बीच में बड़े पत्थर हैं, जरा सी लापरवाही बड़ी टीम उन बच्चों को लेकर ऊंचाई से नीचे कैंप पर आ रही है। इस दौरान भी सावधानी बरती जा रही है, क्योंकि बीच बीच में पहाड़ परेशानी का सबब बने हुए, जरा सी लापरवाही बड़ी अनहोनी में बदल सकती है। ऊपर से शाम हो चुकी है, अंधेरे में काम करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। बचाव कार्य में तेजी क्यों नहीं दी? रोपवे में लोग फंसे हैं, काफी समय बीत गया है, लेकिन अब तक सभी लोगों को सुरक्षित नहीं निकाला जा सकता।
घटना के तुरंत बाद स्थानीय आगे बढ़कर कुछ लोगों को बाहर निकाला और मदद कर एनडीआरएफ की टीम लगातार बचाव कार्य में लगी। ड्रोन के जरिए लोगों तक पानी पहुंचाया जा रहा है, खाना पहुंचाया जा रहा है। तो जैसा हमने देखा कि यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, यहाँ की झारखंड की लोकल पुलिस भी लगी हुई है और लोग भी हेल्प कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है यहाँ पर लोग हज़ारों लोग घूमने के लिए आते हैं और इस रोपवे का इस्तेमाल करते हैं। कहीं ना कहीं तो यहाँ कुछ प्रशासन की भी कमी मानी जाएगी, क्योंकि जब पता है कि रोज़ इतने लोग आ जा रहे हैं, इस पर सफ़र कर रहे हैं, इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, तो उसको सोचना चाहिए था कि इसको इतने लोगों को यहाँ से वहाँ ले जाने ले आने का जो रोपवे काम कर रहा है उसको सही तरीके से इसकी फिटिंग करानी चाहिए थी, इसकी रिपेयरिंग होनी चाहिए थी, चेक करना चाहिए था कि कैसा इस वक्त इसकी कंडीशन है। और बाकी यहाँ की एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगी हुई है और देखते हैं आगे और क्या होता है। बाकी हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए डेली न्यूज़ ऑनलाइन। नमस्कार।